हेलो दोस्तों, आज हम जमा का अमल सीखने वाले हैं। इसके पहले लेवल में आपने एक हिंसी आदात का जमा जरूर सीखा होगा, तो आज हम दो हिंसी आदात की जमा सीखेंगे। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। 32 जमा 54 कितने होंगे, सोचिए। तो चलिए जानते हैं 32 जमा 54 बराबर आखिर कितने होंगे। तो इसे हम इस फ्रेम पर हल करेंगे। यहां हम लिख लेते हैं इकाई, और एक इकाई को जाहिर करने के लिए हमारे पास है तीली, और यहां हम लिखते हैं दहाई, और दहाई के लिए हमारे पास एक बंडल है। एक बंडल यानी एक दहाई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एक बंडल में है पूरी 10 तीलियां। तो अब हम देखते हैं कि 32 में कितनी दहाई और कितनी इकाई है। जी हाँ, 32 में 3 दहाई हैं और 2 इकाई हैं, और इसमें हम मिलाने वाले हैं 54, और इसलिए हम यहाँ जमा की अलामत लगाएंगे। अब 54 यानी 5 दहाई और 4 इकाई। तो चलिए देखते हैं इकाई और दहाई का जमा आखिर कितना होगा। तो इकाई पर है 2, और 2 इकाई के लिए कितनी तीलियां लगेंगी, 2 तीलियां। इसी तरह 3 दहाई के लिए कितने बंडल, 3 बंडल। अब बताइए कि 4 इकाई के लिए कितनी तीलियां होंगी। बिल्कुल ठीक, 4 तीलियां। और 5 दहाई दिखाने के लिए पूरे 5 बंडल। अब देखते हैं कि इकाई की तीलियों को मिलाने पर कुल कितनी तीलियां होती है। तो यहां है 2 तीलियां और यहां 4 तीलियां हैं। बताइए कुल मिलाकर कितनी हुई। बिल्कुल ठीक, 2 और 4 ये मिलाने पर देखो हमारे पास कुल कितनी तीलियां हैं, 6 तीलियां हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 जमा 4 बराबर 6 होता है। अब दहाई पर चलते हैं। दहाई पर यहां 3 बंडल हैं और यहां हैं 5 बंडल। तो कुल मिलाकर कितने बंडल हुए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल 8 बंडल हैं। इसका मतलब हुआ 3 जमा 5 बराबर 8 होते हैं। तो हमारे पास है 8 दहाई और 6 इकाई। इसका मतलब 32 जमा 54 बराबर 86 हुए। आइए एक और मिसाल देखते हैं। 72 जमा 25 बराबर कितने होंगे, जरा सोचिए। तो आइए इसे हल करें। देखें 72 जमा 25 बराबर कितना होगा। तो इसके लिए हमने यहां फ्रेम लिया। अब यहां इकाई का मतलब हुआ एक तीली, और दहाई का मतलब हुआ एक बंडल। 72 यानी 7 दहाई और 2 इकाई, और इसमें हम जमा करने वाले हैं। कितना जमा करने वाले हैं, 25 को, यानी 2 दहाई को और 5 इकाई को। तो दोस्तों देखेंगे इसका जवाब कितना होगा, इकाई पर कितना आएगा और दहाई पर कितना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास यहां पर है 2 इकाई। 2 इकाई मतलब 2 तीलियां, और यहां है 7 दहाई यानी 7 बंडल होंगे, क्योंकि एक बंडल यानी एक दहाई, इसलिए कुल 7 बंडल, और 5 इकाई यानी हुआ 5 तीलियां। अब बताइए 2 दहाई यानी कितने बंडल। ठीक पहचाना, 2 दहाई का मतलब हुआ ये 2 बंडल। तो चलिए देखते हैं तीलियां मिलाकर कुल कितनी है,
और बंडल मिलाने पर कुल कितने? तो यहाँ पर हमारे पास हैं दो तीलियां और इनमें हम मिला रहे हैं ये पांच तीलियां। तो कुल मिलाने पर कितनी तीलियां हुई हैं? आप गिनकर देख सकते हैं। जी हाँ, ये कुल सात तीलियां हैं। इसका मतलब हुआ दो जमा पांच बराबर सात होते हैं। ठीक इसी तरह दहाई पर देखिए, हमारे पास है ऊपर सात बंडल और जिनमें हम मिला रहे हैं ये दो बंडल। तो मिलाने पर कुल कितने बंडल हुए? जी हाँ, ये कुल मिलाकर हैं नौ बंडल। तो इसका मतलब हुआ सात जमा दो बराबर नौ होता है। तो इस तरह हमने निकाल लिया कि 72 जमा 25 बराबर 97 हुए। अब इसका जवाब बताइए, 55 जमा 33 बराबर कितने होंगे? सोचिए। आइए इसे हल करें। 55 में 33 जमा करके देखें जवाब कितना हासिल होगा हमें। फिर से इसके लिए हमें स्ट्रीम की जरूरत है, जहां पर इकाई यानी एक तीली और दहाई का मतलब है एक बंडल, पूरी 10 तीलियों वाला। अब आप देखिए 55 में कितनी इकाई और दहाई है? तो हाँ, 55 में 5 इकाई और 5 दहाई हैं, और जिसमें हम शामिल करने वाले हैं यानी जमा करने वाले हैं 3 दहाई और 3 इकाई, और देखेंगे कि इनका कुल मजमुआ कितना होगा, इकाई पर कितना और दहाई पर कितने दहाई होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 5 इकाई पर चलते हैं। 5 इकाई यानी 5 तीलियां और 5 दहाई यानी 5 बंडल। ठीक इसी तरह बताइए 3 इकाई मतलब कितनी तीलियां हुई? 3 तीलियां, बिल्कुल ठीक। और 3 दहाई का मतलब हुआ 3 बंडल। तो अब हम इकाई पर देखेंगे हमारे पास कुल कितनी तीलियां हैं। तो हमारे पास हैं ये 5 तीलियां जिनमें हम मिला रहे हैं ये और 3 तीलियां। तो देखिए जमा करने पर ये कुल कितनी हो गई? 5, 6, 7, 8, यानी 5 जमा 3 बराबर 8 होता है। और ठीक इसी तरह दहाई पर देखिए, ये 5 बंडल और ये 3 बंडल, ये मिलाकर कितने होंगे? तो आप देख सकते हैं कि ये कुल 8 बंडल है, यानी 5 दहाई और 3 दहाई जमा करने पर 8 दहाई होता है। और इस तरह 8 दहाई और 8 इकाई से मिलकर बना अदद क्या हुआ? 88, बिल्कुल ठीक। यानी 55 जमा 33 बराबर कितना हुआ? 88 हुआ। और दोस्तों, अब कुछ देर वीडियो को रोककर इन सवालात के जवाब दीजिए, इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर हल कीजिए। तो ये रहे आपके सवालात के जवाबात, अपनी तसीह कीजिए, और अगर आपके जवाबात सही हैं तो आपने दो किए हिंसी आदात की जमा सीख लिया है, और अगर जवाबात गलत हैं तो वीडियो को दोबारा देखें।